महाराष्ट्र में भारी बारिश का क्रम जारी है, जिसे देखते हुए अगले 3 दिनों तक अधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश दे दिया गया है। राज्य के सतारा जिले में भी बारिश का दौर जारी है। वीरवार को कोंकण के रत्नागिरी जिले के बाद दूसरे जिले सिंधुदुर्ग में भी भारी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। हालात ये है कि बारिश के कारण कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। सिंधुदुर्ग में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बीती रात हुई भारी बारिश के कारण सुबह से ही कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कई रास्ते एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। कुछ रास्तों पर खतरे का बोर्ड लगा दिया गया है, जबकि कई मार्ग टूट चुके हैं और चट्टानें खिसक रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भारी बारिश और बाढ़ के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न स्थिति के लिए केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और राज्य की स्थिति का जायजा लिया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम श्री उद्धव ठाकरे से बात की और भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में स्थिति पर चर्चा की। स्थिति को कम करने के लिए केंद्र ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।